रामचंद्र होलदार जी सांसरोली चौकी से 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। अपनी बहन सुदेशना से यह पूछता है कि बेबे कौन है यार, कि भाई ये मेरी दासी कि है, इतनी सुथरी दासी वहा करे, इसने मेरे महल में भेज दे कि भाई बड़ी दुख व्यपता में अपना समय व्यतीत करने के लिए कुछ दिन के लिए दासी लगी हुई है यहाँ। किचक मानता नहीं, द्रौपदी से भी मिला कि देख तेरा धन दासी पणका मेरे जी न मुश्किल हो रही, मत दुख पावे दासी पणके चाल मेरे संगोरी। ये क्या करेगी रे, मेरे महल में चल, वहां तरह तरह की ठाट ला दूंगा तेरे। किचक को धमकाती, किचक अपनी बहन से ये कहता है किसने मेरे महल में गाल दिए, दादा सारे कुंड पर मारूंगा तेरे। सुदेशना डर जाती है, द्रौपदी से ये कहती है कि मेरे पेट में बड़ा जोर का दर्द है, मेरे भाई किचक के महल में जा, वहां से मदरा ला, जब मेरा पेट का दर्द ठीक होगा ना तो मरूंगी। हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती द्रौपदी कि महारानी और कुछ भी करवा ले मत, बेजगीर गाने के तब इतनी बात कही धमकाती कि तेरे से ऐसा काम नहीं होगा, इस महल से बाहर चली जा। मन में विचार करती कि थोड़े दिन बाकी रह रे, क्यों न करते ने इसका काम। बोतल लेकर हाथ में किचक के द्वार पर पहुंच जाती, जाकर द्वार खटखटाया, वो किचक बाहर आता है। ये कहता है कि बार ने क्यों खड़ी से आ जाना तेरा ही घर से, तो वो प्रार्थना करती है महाराज आपकी बहन सुदेशना ने ये मदरा मंगाई, मत इस काम से आई हूँ और मैं इस दुख व्यक्ता में उड़ा रही हूँ, नमर यू आण की ना थी। एक बात में हेलो क्या कहती है, क्या लिखा करी, क्या लिखा ये रब खत कहया गए रहना पड़ी जा
नहीं से बदल बिनाते धर्म बिगड़ जा रत्ता धर्म नहीं से नौकरणी ते कृष्ण करा तेरा हरदा नरम नहीं से वो तेरी माता ने बाण बाण की तेरी बाण का धर्म नहीं से तेरी माता ने रामचंद्र हुलदार जी 200 रुपए पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार बिकवाते हैं। आदरणीय रामेश्वर जी कोरडा गांव से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते धन्यवाद। मेरे लिए आदरणीय बड़े भाई जयवीर दिल्ली पुलिस से 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। मेरे भाई सुखविंदर ठेकेदार जी 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। भाई राजेश 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद। ये रंगकाट का दूसरा दौर बहुत बढ़िया बात और रंग भाई ने सुना। हमारी बात ताराचंद के किस्से से कि ताराचंद लड़के को जब गिरवी रख के चलिया उस चंद्रगुप्त को समझाने लग गया कि बेटा आज से पहले तो हम तेरे माता पिता थे, आज से आगे ये ही तेरे धर्म के माता पिता होंगे और अपने माता पिता की तरह से सेवा करना और कैसे एक बात के द्वारा ये कह दिया बोला दिया वो जुत मन
राजा एक है, चाहे वो राजा हो चाहे कोमलता भिखारी हो, लेकिन मदई ज्यादा ब्याह रखी हूँ, कदे श्रृंगार कर कब ना देखा, क्या कहा दोनों मुड़ पे क्या Oh,
सतबीर स्नोप दरिया सिंह आदरणीय 200 रुपये सम्मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। Yeah.
लाल खोड़ा गांव से सौ रुपये मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं।